अपने जाका की मूर्ति है। बोल रही है। जरा ध्यान से। वो आ रहे हैं। कार्ला जल्दी करो। लगातार पिछले दो हफ्तों से तुम्हें ऐसा गैजेट चाहिए जिससे तुम बर्फ का गोला खा सकते हो। ऐसा ही चलता रहा तो मैं गर्मी से बेहोश हो जाऊंगा। गर्मी के कारण अब तो होमवर्क भी नहीं कर पा रहा। ये तो बस बोलने वाली बात है। डोरा मी का कॉल है। भैया क्या आप ठीक है? अच्छा हुआ, देखने से तो आप ठीक लगते हैं। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ डोरा मी। यहाँ बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत अजीब है। भविष्य बताने वाले रोबोट के हिसाब से आपका ये हफ्ता बहुत गंदा बीतने वाला है। लगता है आपके ऊपर आइस फॉर्चून है। आइस फॉर्चून? फॉर्चून टेलिंग बहुत मशहूर है क्योंकि वो ज्यादातर सच होती है। आइस फॉर्चून का मतलब तुम्हें बर्फ से सावधान रहना होगा। तुम्हारे साथ बर्फ को लेकर कोई दुर्घटना घट सकती है तो बर्फ से दूर ही रहना। और हाँ, अगर पेंगुइन दिखे तो उनसे भी दूर रहना। अरे नहीं, डोरामी पर ऐसी बातों का बहुत जल्दी असर हो जाता है। तुम बर्फ के टुकड़े के साथ बह जाओ। अगर मुझे बर्फ का गोला नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। बर्फ का गोला? बड़ा बर्फ का टुकड़ा? अरे हाँ, मुझे एक जगह पता है जहाँ बर्फ मिल सकती है। यही कहीं होनी चाहिए। मैं इसके बारे में जानता था इसलिए मैंने इसे रख लिया था। बड़ा आइसबर्ग? अब हम जितना चाहे अपना गोला खा सकते हैं। अब समझ गया। लेकिन डोरेमी के फॉर्चून रीडिंग का क्या? उसने बोला था हमें बर्फ से दूर रहना चाहिए। उसकी बातों पर ध्यान मत दो। This movie is encoded by Toon World for all .me. क्या ये है वो बड़ा आइसबर्ग? उस तरफ चलो। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो खबर एक महीने पुरानी थी, शायद वो पिघल गया हो। इस तरफ आओ। डोरेमोन, ये बर्फ की दीवार कैसी है? जरा वहाँ देखो। वाह, ये सच में कितना बड़ा आइसबर्ग है। अरे वाह, क्या ये पूरा बर्फ से बना है? अब हम जितने चाहे उतने बर्फ के गोले खा सकते हैं। वाह, हम जितने चाहे उतने गोले खा सकते हैं।
डोरेमोन, मैं घर से टेबल और चेयर लेकर आता हूँ, मुझे एनीवेयर डोर दे दो ना। मेरे पास उसके लिए भी गैजेट है। आइस कमिंग आयन। ये क्या है? तो ये टेबल और चेयर है? गलती हो गई, तो ये प्लस पर लगा देता हूँ। तो इसे पतला करके ऐसे और ऐसे और ये और ऐसे। अरे वाह, ये तो सोफा बन गया। ये थोड़ा अच्छे से और बस हो गया। फ्लफी से इसे लगाने से बर्फ फ्लफी और सॉफ्ट हो जाती है और पिघलती भी नहीं है। डोरेमोन, हम टेबल भी बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग कोई भी शेप बना सकते हैं। कितना ठंडा है यहाँ पर। पता है डोरेमोन, इस बार की गर्मियाँ बहुत गर्म है। मैं सोच रहा था काश की पूरी दुनिया बर्फ में बदल जाती। तुम मजाक कर रहे हो ना? पुराने समय में पूरी पृथ्वी बर्फ से ही ढकी हुई थी, जैसा कि तुम चाहते हो। समझ गए ना नोबिता? हाँ मुझे पता है, उस वक्त तो मेहमत भी हुआ करते थे ना। अरे नहीं नहीं, ये उससे भी बहुत पुरानी बात है, जब हमारी पूरी पृथ्वी एक बहुत ही मोटी बर्फ की चादर से ढकी हुई थी। सच में? उस समय पर सारे समुद्र और पर्वत बर्फ से ढके हुए थे, और जहाँ पर भी तुम जाते तुम्हें ऐसा ही नजारा मिलता। अच्छा, इस घटना का नाम दिया था स्नोबॉल, और कहा जाता है कि ये लाखों साल तक चला था। मतलब ये बहुत पुरानी बात है। ये उतनी पुरानी बात है जब इंसान भी नहीं हुआ करते थे। तुम समझ रहे हो ना नोबिता? चलो ठीक है, हमने ठंड का बहुत मजा उठा लिया, अब चल के होमवर्क करते हैं। डोरेमोन, हम कितनी अच्छी जगह पर आए, चलो ना थोड़ी देर और खेलते हैं। अरे हाँ, एक बर्फ का अम्यूजमेंट पार्क बनाते हैं। सुनो डोरेमोन, क्या तुम्हें बड़े बड़े पहियों वाला रोलर कोस्टर बनाना आता है क्या? पर होमवर्क का क्या? अरे उसकी फिक्र मत करो, उसके लिए तो पूरी छुट्टियां बाकी है। प्लीज प्लीज डोरेमोन। लेकिन पर कुछ टाइम के लिए। याहू, तुम बहुत अच्छे हो डोरेमोन। मन में मेरे सदा ही मैं तो चित्रकारी करूं, चित्रकारी करूं, और बनेगा नक्शा मेरी दुनिया का मैं जैसे चाहूं। कैसा लग रहा है नोबिता? आसमां में उड़ते मैं देखूं कहीं सारे देश नए नए। खोल खोल दरवाजे इसी समय मैं तो जाना चाहूं। जल्दी करो नोबिता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा भूल कहीं ना जाऊंगा, ऐसा कभी जो हो गया तो याद मुझको फिर दिलाना। मेरे दिल की बात, सपने मेरे और मेरे जज्बात, डोरेमोन तुम मेरी मदद करना, याद फिर दिलाने में। हम गाए गीत नया, सारे गाओ तो आओ साथ मेरे, डोरेमोन आओ ये पूरी दुनिया सपना से भर दे। ये रुक क्यों गया? ए नोबिता, ये रुक क्यों गया बताओ? ये तो अजीब है। बाल बाल बचे हो? अच्छे से बनाते ना, हमें माफ करना। चलो डोरेमोन, अब हमें भी बना दे दो। वो तो है पर मैं सबसे अच्छा वाला बनाऊंगा। मैं भी बनाऊंगा। क्या तुम लोगों ने कुछ सुना?
अरे मेरे लिए तो रुको। डोरेमोन ने तो इसे कुछ ज्यादा ही गहरा बना दिया है। यहाँ पर तो कुछ दबा हुआ है। अब मैं क्या करूँ? वैसे ये है क्या? अंदर से मिला है। अरे ये क्या है? डोरेमोन का गैजेट है क्या? ये मेरा नहीं है। ये क्या किया? गलती से हाथ से छूट गया। ये तो ब्रेसलेट है, मुझे लगता है ये किसी से खो गया होगा। तो क्या हमें इसे पुलिस में दे देना चाहिए? लेकिन किसी को विश्वास नहीं होगा कि हम वहाँ थे। ये तो जमा हुआ था ना, इसका मतलब इसे खोए हुए काफी समय हो गया। अरे वो आइसबर्ग तो अंटार्कटिका से बहकर आया था ना। इसका मतलब ये अंटार्कटिका में खोया था। क्या अंटार्कटिका में भी लोग रहते हैं? हाँ बिल्कुल, अंटार्कटिका में रिसर्च बेस भी होते हैं ना। ये तो मुझे लगता है बहुत बड़ी खोज भी हो सकती है। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है? आइस एज मेजरिंग डिवाइस। इस गैजेट से हम पता लगा सकते हैं ये आइस कब जमी थी। सही कहा। जैसा कि मैंने सोचा था, 1,00,000 साल। क्या 1,00,000 साल? क्या ये इतना पुराना है? जब बर्फ की परत एक एक करके हजारों साल तक गिरती रहती है, तब एक आइसबर्ग बन जाता है जिसका कोर सबसे पुराना होता है। मतलब डोरेमोन ये इतने साल पहले खोया था? बस यही नहीं नोबिता, अंटार्कटिका को 200 साल पहले ढूंढा गया था, उससे पहले वहाँ कोई गया ही नहीं, और 1,00,000 साल पहले तो स्टोन एज था। इसका मतलब ये हुआ कि इंसानों के पास उस समय ऐसी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिसकी वजह से वो ये ब्रेसलेट बना भी पाते। मतलब ये इंसान का काम नहीं है। 1,00,000 साल पहले अंटार्कटिका में? अगर हमें इसका मालिक मिल गया तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी खोज होगी। नोबिता जल्दी से बताओ, तुम्हें वहाँ और भी चीजें मिली थी? तो फिर से जाकर ढूंढते हैं। अरे नहीं रुक जाओ, आज बहुत देर हो चुकी है, अगर हम चाहें तो हम बाद में भी जा सकते हैं। ठीक है तो हम कल यहीं मिलते हैं। ओके बाय। आने में देर मत करना। हाँ बिल्कुल। गुड नाइट। गुड नाइट। Yeah.
चाहिए। डोरेमोन! हम जा रहे हैं। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? हम अंटार्कटिका जा रहे हैं मॉम। अच्छा ठीक है, पर डिनर तक वापस आ जाना। ठीक है। क्या कहा है अंटार्कटिका? मेरे कजिन ने मुझे बताया कि कुछ लोग मानते हैं कि अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे एक शहर बसा हुआ है जो कि अटलांटिस है। मुझे लगता है कि वो रिंग 1,00,000 सालों पहले अटलांटिस वालों ने ही बनाई होगी। वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना। और पता है मेरे कजिन को ना इस बारे में सब कुछ मालूम है। वो इस बारे में बहुत रिसर्च करते रहता है मेरी तरह। हाँ ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये अटलांटिस अंटार्कटिका में कहाँ है। अगर मुझे अटलांटिस की जगह पता होती तो ये सिर्फ एक कल्पना नहीं होती, समझे ना। क्या ये सच है? मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि ये अटलांटिस ही है, पर हो सकता है अंटार्कटिका की बर्फ में कुछ गड़ा हुआ होगा। तुम सब यहाँ इस मैप को देखो, ये वो जगह है जहाँ पर हमें कल वो आइसबर्ग मिला था। जरा इस जगह के समुद्र का बहाव दिखाओ। आइसबर्ग जरूर समुद्र के बहाव से बहकर चला गया होगा। अब चलो बहाव का पीछा करो। अगर हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में थोड़ा सा पश्चिम की तरफ मुड़े तो इसका मतलब वो आइसबर्ग यहाँ बना था। तो चलो यहीं पर चलते हैं। तो यहाँ पर है अटलांटिस? नहीं, लेकिन रिंग यहाँ पर नहीं जमी थी जियान, समझ गए? मैं समझा नहीं, आइसबर्ग तो यहीं से बहकर आया होगा ना। अच्छा चलो अब इसे ध्यान से देखो। कहा जाता है कि अंटार्कटिका में बर्फ 4 करोड़ साल पहले बनना शुरू हुई थी और धीरे धीरे वहाँ बर्फ की एक लंबी बड़ी और ऊंची चादर बन गयी। ये हिल रही है। ऐसे ही एक बड़ा सा ग्लेशियर बना जिसको आइस शीट बोलते हैं। और ये आइस शीट देखो इस तरह से अपने आप कट कट के बनती रहती है। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना नोबिता? टूट गई। भारीपन की वजह से बर्फ ऊंची जगह से नीची जगह पर जाती है। इसका मतलब जहाँ वो रेंग जमी थी वो जगह इसे आइसबर्ग बोलते हैं। मैप के हिसाब से कुछ इस जगह से बर्फ बहती हुई पानी की तरफ आ गई थी। मैप के हिसाब से हमें बर्फ के नीचे देखना चाहिए। पर डोरेमोन मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि बर्फ ऐसे कैसे बह सकती है। खैर वो सब बाद में। मुझे तो लगता है कि हमें मैप पर दिखाई हुई जगह खुद जाकर देख लेनी चाहिए। दोस्तों क्यों तैयार हो? हाँ बिल्कुल, चलो चलते हैं। सब मिलकर अंटार्कटिका का अटलांटिस ढूंढ लेंगे। चलो हम रिंग के मालिक को ढूंढते हैं। तो फिर चलो। चले ना दोस्तों। अरे ये तो अंटार्कटिका है, देखो तारे दिख रहे हैं वहाँ पर। ये पृथ्वी का दूसरा छोर है दोस्तों। अभी इस समय वहाँ पर सर्दियाँ चल रही हैं। इसे पोलर नाइट कहते हैं, जब महीनों तक सूरज नहीं उगता। यानी महीनों तक रात? जरा ध्यान से। हमारे यहाँ टेम्परेचर करीब 30 डिग्री है, पर इस दरवाजे की दूसरी तरफ टेम्परेचर -40 डिग्री है। डोरेमोन अगर ऐसा हुआ तो हम वहाँ जाते ही जम जाएंगे। फिक्र मत करो तुम सब, बस इसे पहन लो। ये लो। ये क्या है? इसे ये है पोलर एक्सपेडिशन सूट। इसकी मदद से तुम बर्फ पर बिना फिसले चल सकते हो और ये तुम्हें बर्फ की ठंडक से गर्म भी रखेगा। कैसी लग रही हो? तुम पर अच्छा दिख रहा है शिज़ुका। अपना सामान भूल मत जाना। तो चलो हम चलते हैं। वो देखो वहाँ कुछ बिल्डिंग्स है। ये शिवा स्टेशन है।
हर जगह पर बर्फ सच में हिलती है क्या? ये हिलती है पर दिन में कुछ सेंटीमीटर ही हिलती है जिसका पता भी नहीं चलता। क्या सच में? हमें कैसे पता चलेगा कि बर्फ के अंदर क्या है? तो अब ये क्या है? तुम इससे चीजें ढूंढ सकते हो जो जमीन में गड़ी हुई हैं। घूमो और अपनी आंखें बंद कर लो। इस तरह? क्या तुम्हारे पास गाड़ने के लिए कुछ है? लेमन फ्लेवर कैंडी चलेगी क्या? यहाँ मत देखना नोबिता। अब अपनी आंखें खोल लो और वायर को रगड़ो। इस तरह? इस वायर को रगड़ने से तुम वो चीज ढूंढ सकते हो जो तुम्हारे आस पास गड़ी हुई हो। जितना ज्यादा तुम रगड़ोगे ये वायर उतनी ही गहरी जा सकती है, समझ गए ना नोबिता? जब तुम इस वायर को निकालोगे तो तुम्हें गड़ी हुई चीज मिल जाएगी इस तरह से। समझ गया। ठीक है, तो क्या अब हम सब चल सकते हैं? लेकिन इसे चलाते कैसे हैं? ये लो जियान, पियोर रोप और उसकी किताब उसे चलाने के लिए, और पहले सॉन्ग ऑफ कॉल।
हम पक्का सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? मैं बहुत थक गया हूँ अब। समझ नहीं आ रहा अटलांटिस सच में है भी या नहीं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, तूफान रुकते ही वापस चले जाते हैं। डोरेमोन हम इतना आगे आ गए हैं, अब घर क्यों जाना है? अभी तक तुम कुछ कर भी नहीं रहे हो। सुनियो, तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं कब से इसे रगड़ ही रहा हूँ ना? अरे ये कहाँ जा रहा वो बाहर है। वो देखो वहाँ पर। इसे देखकर तो लगता है हमारे नीचे है। चलो ठीक है, सच बोल। पहले हमें इसे घुमाना है। अरे क्या हुआ? ये जम गया है। और ये बस के नीचे हजारों मीटर तक जा सकता है दोस्तों। सब लोग बैठते ही अपनी सीट बेल्ट बांध लेना। तो इंजन स्टार्ट, गायरोस्कोप ठीक है, रडार स्टार्ट। क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ बिल्कुल। मैं तैयार हूँ डोरेमोन, अगर ऐसा है। जानता था कि अंटार्कटिका की बर्फ इतनी मोटी है। अंटार्कटिका की सबसे बड़ी बर्फ 4000 मीटर तक होगी। अरे वाह, ये तो माउंट फूजी से भी लंबा है। ये क्या, हम तो इतने नीचे भी नहीं गए हैं। फिर ये अलार्म। हम कहाँ है? शायद हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे है। अरे वो क्या है? रुक जाओ! अरे अरे ये तो ये क्या है? चलो चले। मेरे लिए रुको जिया, ये दुनिया की सबसे बड़ी खोज है। ये शेप तो सेम शेप है। इसे देखकर तो मुझे लगता है ये रिंग यहीं पर जमी हुई थी। हाँ, पता नहीं अंदर जाने का रास्ता कहाँ है। इधर तो कोई भी रास्ता दिख नहीं रहा है। तो क्या वो वायर इस टावर को खोज रही थी? वायर के हिसाब से तो यहाँ पर पूरा शहर होना चाहिए था। डोरेमोन मेरे लिए रुको। तुम ठीक तो हो ना? तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? नीचे देखो डोरेमोन,
से तो नहीं जमा हुआ है। हे, क्या यहाँ कोई है? वहाँ कुछ तो है। क्या बात है, वो अटलांटिस का खजाना हो सकता है। अरे ये तो बर्फ है, अंदर कुछ जमा है। मैं इसे निकालता हूँ। ये बाल कैसे है? पर मुझे तो ये कोई भी खजाना नहीं लग रहा। हाँ, ये तो हिल रहा है। मैमथ है। ये तो अलग ही प्रकार का मैमथ है। क्या तुम एटलांटिस में रहते हो? दरअसल हम लोग खोई हुई रिंग के मालिक को ढूंढ रहे हैं। शायद वो तुम्हारी हो सकती है। हो रही है। वो क्या है? उसे नोबिता पसंद आ गया। अरे बैग, ये मेरे लिए है। ये क्या है? तुम्हें पता है डोरेमोन? मुझे लगता मैंने इसे कहीं देखा है, पर पता नहीं कहाँ। गदगदी हो रही है, छोड़ो मुझे। लगता है इसे डोरेमोन पसंद है। हे नोबिता, क्या तुम इसे जानते हो? बताओ। नहीं, हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। सब लोग देखो, यहाँ पर नीचे रास्ता जा रहा है। बहुत अंधेरा है। ये कहाँ तक जाता होगा? इस काम के लिए ये वाला गैजेट इस्तेमाल करते हैं, डिस्पोजेबल आर्टिफिशियल सन। वहाँ पर कुछ है। चलो चलते हैं। अरे रुको। आराम से। मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं, रुको। देखो जी यार, यहाँ वापस कुछ जमा हुआ है। इस बार ये मैमथ कितनी नहीं लग रहा है, देखो। हाँ, लेकिन ये क्या हो सकता है? क्या हो गया? पर कैसे? मैं तो जमा हुआ हूँ, लेकिन जैसा कि मुझे लगा था, ये डोरेमोन ही है। ये तो 1,00,000 साल पहले जमा था, बिल्कुल उस रिंग की तरह। तो डोरेमी बर्फ के बारे में बिल्कुल सही कह रही थी। शांत हो जाओ नोबिता, मेरे साथ अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ है। चलो इसे बाहर निकालते हैं। हो सकता है ये भी हिलना शुरू कर दे। अरे ये क्या? ये तो अरे ये क्या, ये तो पत्थर से बना है। पत्थर का डोरेमोन यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ हाथी के बच्चे? ये हाथी का नहीं, मैमथ का बच्चा है, समझे ना? तो मैमथ के बच्चे को क्या कहते हैं, बताओ ना। वो पता नहीं मुझे। मैं ताकतवर हूँ। डोरेमोन पेंगुइन बन गया। मैं कोई पेंगुइन नहीं हूँ। मुझे कभी नहीं लगा था कि डोरेमोन का पेंगुइन हम पर अटैक करेगा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। 1,00,000 साल पहले पता नहीं क्या हुआ होगा। आइडिया, ऐसा ही है तो टाइम मशीन यूज करके हम 1,00,000 साल पीछे जा सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि रिंग कहाँ से आई है। अच्छा आइडिया है। ठीक है, तो फिर हम नोबिता के कमरे में चलते हैं। चलो।
एनीवे डोर तो मैंने पीछे ही छोड़ दिया। तो अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, मेरे पास कुछ है। टाइम बेल्ट गैजेट, इसे 1,00,000 साल पहले सेट कर देता हूँ। चलो अब सब लोग एक दूसरे को पकड़ लो। ये तो है कि हम दूसरी जगह पर नहीं जा सकते, पर हम टाइम को आगे या पीछे जरूर कर सकते हैं। पेंगुइन भी गायब हो गया है। यहाँ पर कुछ तो होने वाला है, एक मिनट। क्योंकि हम बहुत ज्यादा लोग थे तो बैटरी बहुत कम हो गई है। सब ठीक होगा ना? मेरे पास एक्स्ट्रा बैटरी है किसी मुसीबत के लिए। जरा यहाँ देखो, वहाँ अंदर से लाइट आ रही है। हम इसे कैसे खोलेंगे? मैं क्या जानू अब। तो फिर तुम लोग देख क्या रहे हो, मेरी मदद करो। हम कहाँ आ गए? ये शहर अब तक बर्फ में नहीं जमा। अरे बाप, इस समय में अंटार्कटिका बर्फ से ढका ही नहीं था। अजीब बात है, क्योंकि अंटार्कटिका तो 1,00,000 साल पहले भी जमा ही हुआ था। तो फिर ये क्या, ये वही टावर है जहाँ हम नीचे उतरे थे? टावर आसमान पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो क्या हम सच में अंटार्कटिका के बर्फ के नीचे ही है? एटलांटिस के लोगों, क्या आप मुझे सुन सकते हो? जरा ध्यान से जियान, ध्यान से, ये पुराना है जियान। यहाँ कोई रहता होगा क्या? चलो ना नीचे चल के देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो चले। सुके रखा था क्योंकि बहुत मुलायम है। ये क्या है? लगता है इस जगह को नष्ट होकर ज्यादा समय नहीं हुआ है। पर वो काली चीज कैसी है? मुफुसुके, क्या हुआ? पानी बह रहा है। क्या यहाँ मछलियाँ भी होती हैं? क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है? वो फूट गया। नोबिता,
अटलांटिस की भाषा वो क्या कह रही है? ऑक्सीजन। अरे तुम क्या कहना चाह रही हो? ऑक्टोपस है। वो तो स्क्विड है ना। ना बेटा। डोरेमोन क्या हो गया? ट्रांसलेटर कुनियाकु के पास चलो। अरे रुको तो सही। क्या हो क्या रहा है? बाद में बताता हूँ डोरेमोन। क्या तुमने मेरी डोडोडो टेक्निक देखी? अरे मेरी डाडाडा टेक्निक तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या कहा तुमने? अटैक से तो उसे कुछ नहीं हुआ। जियान चलो इसमें गाना गाओ। मैं इसमें गाऊं? लेकिन अभी क्यों? हमें तुम्हारा गाना बहुत पसंद है। ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो ये लो। गाना गा रहा था वो भाग गया, इसका मतलब क्या हो सकता है? इसे तुम्हारा गाना इतना अच्छा लगा कि ये बेहोश होने वाला था। तुमने सही कहा। हे सुनो, जरा बताओ तुम लोग हो कौन? वो हम लोग दरअसल Yeah.
मतलब तुम अच्छे लोग हो। तो इसका नाम पाव पाव है। लगता है ये खो गया है। वैसे तुम्हें कुछ पता है? खो गया? ये युकाटान के छोटे भाई की तरह लग रहा है, लेकिन इसके कान अलग हैं। नोबिता। हाँ, मैं मिलवाता हूँ। मैं नोबिता, ये डोरेमोन और ये शिजुका। मैं सुनिए हूँ। और मैं हूँ जियान। अभी मैं ही गाना गा रहा था। मेरा नाम कार्ला है और ये युकाटान है। हम यहाँ पर योगा योगा प्लैनेट से आए हैं इस जगह की जांच पड़ताल करने। योगा योगा प्लैनेट? तो इसका मतलब है तुम यहाँ नहीं रहती? वो अजीब सी चीज क्या थी? वो ऑक्टेगन है, पत्थर की मूर्ति जो ऐतिहासिक जगहों को बचाती है। कल जब मैं यहाँ आई थी तब मुझसे खो गया था। जब मैं उसे ढूंढ रही थी तब उसने मुझे देख लिया। कुछ खो गया है? नोबिता। वैसे हम लोग इस रिंग के मालिक को ढूंढने यहाँ आए हैं। ये रिंग, ये तुम्हें कहाँ मिली? ये तुम्हारी है? क्या बात है। दरअसल हमें ये रिंग 100,000 साल बाद बर्फ में जमी हुई मिली थी। 100,000 साल बर्फ में? हा? अरे हाँ, हम 100,000 साल फ्यूचर से आए हैं। क्यों, क्या हुआ? शांत रहो, हम घिरे हुए हैं स्टोन बैट से। स्टोन बैट? अरे रिंग कहाँ चली गई? अब क्या करें डोरेमोन? अब गेटिंग बैक। इस गैजेट से हम लोग वो चीज ले सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हो। बहुत बढ़िया। क्या हुआ डोरेमोन? वो भाग रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो बैट। इससे वो जहाँ पर भी हो हम उसे ढूंढ सकते हैं। ये तो टावर की तरफ चले गए। चलो उनका पीछा करें। रुको। अंधेरा हो रहा है, उनका पीछा करना बहुत खतरनाक होगा। अंधेरा? कार्ला, वहाँ सब ठीक है? हालात कैसे हैं? मैंने रिंग ढूंढ ली थी लेकिन स्टोन बैट्स उसे कहीं दूर ले गए हैं। ओ अच्छा, लेकिन अंधेरा हो रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। तुमने कहा कि तुम उस नक्शे से रिंग ढूंढ सकते हो? हाँ बिल्कुल। मैं अपने साथ कुछ मेहमानों को भी ला रही हूँ। क्या कहा? तुम लोग आज रात मेरे साथ आ जाओ, हम वहाँ पूरी तरह सुरक्षित होंगे। सुबह होते ही हम रिंग ढूंढने निकल जाएंगे। मैं तुम्हारा मैप उधार ले सकती हूँ? कोई बात नहीं। आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से इस शहर में दिन बस 3 घंटों के लिए होता है, उसके बाद अंधेरा हो जाता है, इसलिए हम सबको जल्दी चलना होगा। 3 घंटे? रात के वक्त यहाँ का तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है, तो इन कपड़ों में बाहर निकलना नामुमकिन समझो। -100 डिग्री? ये जगह क्या है? इस शहर को ह्योगा ह्योगा के हमारे पूर्वजों ने बनाया है, पर अब यहाँ कोई नहीं रहता। ये शहर पूरी तरह वीरान और सुनसान हो गया है। ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। फिक्र मत करो। सावधान रहना, कस के पकड़ लो। अच्छा तो ये पानी में भी चलती है। वो देखो। कहाँ है? कहाँ है?
तुम सबका स्वागत है। यहाँ तो मोती सुखी के बहुत सारे दोस्त हैं। हम जहाँ भी जाते हैं ये हमारे साथ आते हैं। मैं आ गई। कितना प्यारा है ये। मेरे साथ आओ। ये तो जमे हुए हैं। ये सब इस बर्फ के अंदर सो रहे हैं। कभी कभार पाव पाव बर्फ में लंबे समय के लिए गहरी नींद सोते हैं। अच्छा तो ये सो रहे हैं। तो इसलिए मोपुसुकी बर्फ के अंदर था, अब समझा। सोते वक्त ये बूढ़े नहीं होते और लंबा भी जी सकते हैं। पाव पाव एक कॉमेट की बर्फ के अंदर करोड़ों साल पहले गए थे, जो ब्रह्मांड में भटक रहा था। यहाँ ऊपर आओ। हमारे ठिकाने में सबका स्वागत है। क्या हो गया? तो तुम हो हमारे मेहमान, यहाँ तुम्हारा स्वागत है। प्रोफेसर, आपने सर्वाइवल सूट पहना हुआ है, इसका मतलब आप बाहर निकले थे। मैंने आपको आराम करने के लिए कहा था। मुझे माफ करना, मैं ऐतिहासिक जगहों को खोजने गया था। इतना गुस्सा मत करो। ओफो प्रोफेसर, आपकी पैर की हड्डियाँ अब तक ठीक नहीं हुई हैं। प्रोफेसर देखो, मेरे पैर का दर्द चला गया है। हमारे यहाँ मेहमान बहुत समय बाद आए हैं, आज रात हम शाही खाना खाएंगे। क्या सच में? वैसे भी हम आजकल आलू के अलावा और क्या खाते हैं? सुना तुम लोगों ने, आज रात स्वादिष्ट खाना बनने वाला है और बॉम पुडिंग भी। बॉम और पुडिंग भी? ओह, पर उससे पहले तुम लोग नहा कर आ जाओ। हाँ ठीक रहेगा। मैंने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। हाँ, मुझे भी मेरी मॉम बहुत डांटेंगी। फिक्र मत करो, जब हम घर वापस जाएंगे तब टाइम मशीन से टाइम में पीछे चले जाएंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये रहा। इसे थोड़ा और पकाना है, बस थोड़ी देर और रुको। मैं आ गई। खाना शुरू हो गया है। स्वादिष्ट है। कितना स्वादिष्ट है। चीज जैसा और मार्शमेलो जैसा। इसका टेस्ट मुझे फाइव स्टार होटल पेरी के खाने की याद दिला रहा है। ओ, तो तुम हमें हमारी रिंग देने भविष्य के 100,000 साल बाद से आए हो। मुझे पूछ रहा था ये योगा योगा प्लैनेट है कहाँ पर? ये यहाँ 100,000 लाइट ईयर्स दूर है, जरा वो देखो। इतना सफेद प्लैनेट। ये पूरा हरियाली से भरा हुआ था, पर अब ये बर्फ से भरा हुआ है। क्या कहा, वो जम गया? ये ब्रिजागा की करनी है। ब्रिजागा? ये एक लंबी कहानी है। योगा योगा प्लेनेट में रहने वाले हमारे पूर्वजों के पास ऐसी वैज्ञानिक तकनीक थी जिससे हम ब्रह्मांड के हर कोने तक जा सकते थे, पर वो तकनीक खो गई, हमें कभी मिली ही नहीं। मुझे ये कीड़ा एक प्राचीन जगह पर मिला, वो पत्थर के स्टैचू की तरह। ये भी उस पुरानी तकनीक की तरह ही बना है। क्या ये वो बड़े से भयानक ऑक्टोपस का है? ये हमारी तकनीक है जिसे हमने पुराने विज्ञान की मदद से बनाया है, लेकिन हमें एक ऐसा दरवाजा मिला जिसे हमें खोलना ही नहीं चाहिए था। ब्रिजागा, दुनिया का सबसे ताकतवर स्टोन स्टैचू। प्लेनेट को काफी नुकसान हुआ, लेकिन हम रिजागा को पकड़ने के लिए फिर से निकल पड़े। इतनी लंबी यात्रा के बाद हमें ये प्लेनेट में रिंग मिली जो उसे रोक सकती है। मुझे नहीं पता था कि ये रिंग इतनी इम्पोर्टेंट है। हम वो रिंग जरूर वापस लेकर आएंगे। लेकिन आखिर आपके पूर्वजों ने इतनी डरावनी चीज क्यों बनाई? सच में, और ये पृथ्वी पर ही क्यों आया?
जब उन्हें रहने के लिए प्लेनेट मिल गया, उन्होंने उसे ब्रिजागा की मदद से जमा दिया। जमा दिया? लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो वो वहाँ कैसे रहेंगे? क्योंकि बर्फ पिघलने के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। उस प्लेनेट पर बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। स्नोबॉल अर्थ? स्नोबॉल अर्थ? इसका मतलब है इतने सालों पहले पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी। क्या कहा? तुम्हारा क्या मतलब है? पुराने समय में पृथ्वी के साथ भी यही चीज हुई थी। करीबन 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी भी योगा योगा प्लैनेट की तरह जम गई थी, और कहा जाता है कि बर्फ हजारों सालों तक रही। पर उसके पिघलने के बाद पृथ्वी पर नए जीव पैदा होने लगे, और जब वो पैदा हुए तो इसे कहा गया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। और इस तरह से पृथ्वी पर कई सारे जीव जंतु रहने लगे, पानी और जमीन दोनों पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब बर्फ की वजह से जिंदा है। पर जब मैं यहाँ की ऐतिहासिक जगहों की खोज कर रहा था, मुझे ब्रिजागा की टूटी हुई मूर्ति दिखी। मुझे लगता है कि तुम्हारे प्लेनेट के जमने से ब्रिजागा का कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा हुआ था आपके साथ? अब समझ गया। हाँ, तुम्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। आप फिक्र मत कीजिए, जब वो राक्षस मेरे सामने आएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा वादा है। क्या ये भी आपके पूर्वजों ने बनाया है? ये डॉल तो मैंने डोरो डोरो मेडा प्लेनेट से खरीदी थी। उसके पीछे एक बटन है, उसे दबाओ। ये काफी अच्छा है ना? पुराने समय में इसकी आंखें चमका करती थी। यहाँ एक और है, इसकी आंखें अब तक चमकती हैं। चलो हम सब डिजर्ट खाते हैं। ये बॉम्ब पुडिंग है। उस समय योद्धा ब्रह्मांड के राक्षसों से लड़ रहे थे, उसने मुझे भी हरा दिया था, पर मैंने कभी हार नहीं मानी। नहीं है, पर अगर हम इन्हें पीछे छोड़ दें तो इनको खतरा हो सकता था। ये कल से एक ही जगह पर है। अंदर उनका खुद का घोंसला है। स्नो बैट का घोंसला है, काफी दिलचस्प लगता है। देखिए, आपके पैरों में चोट लगी है, आप यहीं पर रुकिए। पर मुझे कैमरे में बहुत जरूरी चीजें रिकॉर्ड करनी है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हम जल्द ही आते हैं। हाँ, कैमरे का काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे साथ ठीक नहीं हुआ। क्या ब्रिजागा का स्टोरेज? अभी तो सुबह हो रही है, लेकिन स्नो फायर फाइल्स वहाँ क्यों जमा है? हे, वो देखो, इतना सारा चढ़ना होगा। लगता तो यही है। चलो चलते हैं। तुम जरा रुको, मुझे नहीं पता अब हमारे साथ क्या होगा, तो तुम सब लोग के गैजेट्स अपने पास रखो। तो चलो चलते हैं। चलो। इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ? पता नहीं, मुझे ऐसा लगा वहाँ पर कुछ है। हुँ।
पास में है। हाँ, तो बाकी लोग कहाँ पर है? हाँ, कहाँ है? हे! अब क्या करें, हम लोग अलग हो गए हैं। मुझे लगता है इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। फाइटिंग स्टिक, ये तुम्हारी खोई हुई चीजों का पता लगाती है। रिंग कहाँ पर है? बहुत अजीब है, इस तरफ। अरे, ये सिर्फ 70% सही बताता है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। तुमने ऐसा क्यों कहा नोबिता? देखो, ये बुरा मान गया। चलो चलते हैं यहाँ से। क्या, चलो वापस ऊपर चढ़ना पड़ेगा? चलो चलते हैं। जल्दी चलो। बर्फ का गोला? तुम बर्फ खाते हो? हाँ, अलग अलग स्वाद के शरबत डाल के, बहुत अच्छा लगता है। वाह, तुम तो कुछ भी खा लेते हो। हम सब कुछ नहीं खाते हैं, पर इसका मतलब तुम ब्रिजागा भी खा सकते हो? शायद, लेकिन ब्रिजागा कैसे दिखता है? वो एक बड़ा राक्षस है जो बर्फ से बना है। मैंने उसको एक बार पास से देखा था। बहुत सारी बर्फ अपने अंदर लेकर बड़ा बनता जा रहा था। और उस दिन हमारा पूरा शहर जम गया था। लेकिन उस रिंग की मदद से मैं ब्रिजागा को हमेशा के लिए बर्फ का गोला बना दूंगी। हाँ, फिर तो मैं तुम्हें शरबत गिफ्ट करूँगा। कौन सा फ्लेवर देना चाहिए? अरे, डोरेमोन कहाँ गया? पापा जाना है। नोबिता, इस तरफ आ जाओ। मैं बस आ रहा हूँ। मैं बस आ रहा हूँ। तुम आगे जाओ डोरेमोन। आगे जाओ डोरेमोन। स्टोन बैच का घोंसला लगता है। मुझे तो लगता है ये उन्होंने इकट्ठा किया होगा। जियान और सुनियो के बैग शायद। मिल गई ये रिंग। ये कौन है जो मेरी इजाजत के बिना मेरे टावर के अंदर घुसा है?
गैजेट्स की कोई जरूरत नहीं। रुक जाओ सर। कोई भी उस पे यकीन मत करना, वो नकली डोरेमोन है। दो दो डोरेमोन। आखिर ये चल क्या रहा है? अरे नहीं, मैं असली वाला हूँ। जरा देखो मेरी आंखों में। झूठ बोल रहे हैं, मैं असली वाला हूँ। बताओ तुम में से नकली कौन है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उस डोरेमोन को देखो, उसकी बेल और पॉकेट बर्फ के बने हुए हैं। तो फिर ठीक है, अगर तुम असली डोरेमोन हो तो अपनी पॉकेट से गैजेट निकाल कर दिखाओ। हाँ, क्यों नहीं? ये देखो। मैं जानता था ये असली गैजेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नकली है। उसने मेरे गैजेट ले लिए। अरे हाँ, वैसे ये भी तो हो सकता है। तो फिर ठीक है, जल्दी से बताओ मुझे मेरा नाम क्या है। हाँ, और मेरा नाम भी बताना, ठीक है? ये तो बहुत ही आसान है। ये तुम्हें क्या हो गया? लगता है बोल नहीं पा रहा। जियान और सनियो। तो ये बात है, तुम तो सच में नकली निकले। ये वाला नकली है, चलो इसे। पर भला है कौन वो? लगता है यहाँ का राक्षस है जो डोरेमोन का भेष बदल कर आया है। अब हम क्या करें? हमें इसे गैजेट से जमा देना चाहिए। गुस्से से उसके हाथ हिल रहे, देखो। हमें अपना असली रूप दिखाओ बहरूपिये। सच कहूँ तो मुझे उस पर तरस आ रहा है, और हम ये भी तो नहीं जानते कि वो असली है या नकली। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? उसकी पॉकेट और बेल्ट दोनों ही बर्फ से बने हैं, और तो और वो हमारा नाम भी नहीं ले पाया। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम ही फैसला करो नोबिता। हाँ, और वैसे तुमसे बेहतर डोरेमोन को और जान भी कौन सकता है? मैं ही। ध्यान से। वैसे ऐसा तो नहीं कि दोनों असली हो? हाँ, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। बेहतर है उसे जमा दो जल्दी। तुम अपना मुंह बंद रखो और तुम अपना हाथ चलाओ। भले ही इसकी पॉकेट और बेल जम गई हो, पर वो मेरे लिए असली ही है, समझे? वो मेरा नाम नहीं ले पा रहा, पर वो डोरेमोन ही रहेगा। नोबिता, बेकार की बातें मत करो। ये सब बकवास है, समझ गए तुम? लाओ मुझे दो। वापस जाओ। डोरेमोन, तुमने मुझे बचाया, शुक्रिया। मैं तो डर ही गया था। अगर इसने नोबिता को बचाया है तो वो नकली है। तुम लोगों को तो वो तो जम गया। डोरेमोन, रुक जाओ। वो नकली डोरेमोन हमें मारना चाहता था। डोरेमोन ने हमारी जान बचाई। दोस्तों, ये तो वही जगह है ना जहाँ से हमने टाइम ट्रेवल की शुरुआत की थी। अरे हाँ, तो वो बहरूपी की असली पहचान वो पेंगुइन था। अब तुम यहाँ पर हमेशा के लिए जम गए हो। तुम अभी तो ऐसा कह रहे हो, लेकिन 1,00,000 साल बाद तुम ही इसे बाहर निकालोगे।
सच कह रहे हो सुनियो? अगर ऐसी बात है तो इसे इसी वक्त खत्म कर देते हैं। अगर हमने ऐसा किया तो पूरा इतिहास बदल जाएगा, उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाया हूँ। मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो डोरेमोन। हम तो तुम्हें नकली समझ बैठे थे। कोई बात नहीं, उसमें तुम्हारी क्या गलती है? वैसे वो रिंग कहाँ पर है? उस तरफ होगी। ये तो डोरेमोन की तरफ मुड़ रहा है। अगर ऐसा है तो क्या ये? वो रिंग, उसने रिंग मेरी पॉकेट में डाल दी होगी। कार्ला, ये लो तुम्हारी रिंग। शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हुआ? अरे नहीं, अंधेरा हो रहा है। प्रोफेसर, हमारे पास रिंग है। अच्छा किया, पर हमें रिंग वापस ब्रिजागा को देनी होगी। देनी होगी? ये ब्रिजागा टूटा हुआ नहीं था, बल्कि इसके बस बनने के तुरंत पहले इसे सील कर दिया गया था और हमने सील तोड़ दी। इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये प्लेनेट बर्फ से ढक जाएगा। देखो, ब्रिजागा जागने वाला है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, उसे रिंग लौटा दो। अगर हम वो रिंग लौटा देंगे तो क्या होगा? मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए। पर इस प्राचीन रिंग के बिना ह्योगा ह्योगा प्लैनेट की बर्फ का क्या? ये क्या कह रही हो? पूरी पृथ्वी जम जाएगी कार्ला। हाँ ये सही कह रहे हैं, पर वो रिंग अभी के अभी मुझे दे दो। चलो,
साल भविष्य में है। सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, मैं युकातान और डोरेमोन को वहाँ से लेकर आता हूँ। बैटरी खत्म। अरे नहीं, ये तो बंद हो गया। वो बात ऐसी है कि हम अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे है ना, शायद इसलिए हम यहाँ पर फंस गए हैं दोस्तों। काला और उसके दोस्तों को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, सही कहा तुमने, अगर तुम यहाँ नहीं आती तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। मैं नहीं, काला कुछ करो। चुप हो जाओ तुम दोनों। कार्ला तो बस अपना प्लैनेट बचाने की कोशिश कर रही थी, उसकी कोई गलती नहीं है। नो बेटा। हाँ, तुम दोनों उस पर इल्जाम मत लगाओ। पर मैं ही क्यों? माँ बचाओ मुझे। माँ बचाओ। माँ। कितनी ठंड है यहाँ पर, इतनी ठंड है कि ये काम ही नहीं कर रहा। मतलब डोरेमोन की भविष्यवाणी सही निकली, बेल्ट की बैटरी के बिना तो मुझे यही रहना पड़ेगा। हाँ, तुमने सही कहा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, नोबिता को मेरी जरूरत होगी। बस मुझे किसी तरह ये बैटरी भविष्य में नोबिता तक पहुँचानी होगी। मुझे लगता है मैंने कहीं देखी है। लहर आ रही है, जल्दी ऊपर चलो। तुम बर्फ के अंदर लंबे समय तक सो सकते हो, अगर हालात बुरे हुए तो अपने आप को जमा लेना, ठीक है? मैं तो एक रोबोट हूँ, मैं तुम्हारी तरह बर्फ में नहीं सो पाऊंगा। मुझे लगता है इस तरह, एक मिनट रुको, ये बैटरी तो तुम्हारा लकी आइटम स्टार है। अरे हाँ, मैं समझ गया, हम सिर्फ यही गैजेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम ऊपर जाते तो वहाँ सब गैलेक्टिकल एक्सप्लोरेशन व्हीकल होगी, पर वो खराब है ना। क्या इसके लिए हम किसी से मदद मांग सकते हैं? तो ये टाइम बेल्ट की बैटरी है, मैंने ऐसा कहीं देखा है। मोफुसुके, तो तुम्हारा बैग यहीं पर था क्या? हे, तुम्हें वो बैग कहाँ से मिला? पर ये तो मोफुसुके के साथ जमा हुआ मिला। ये प्रोफेसर का बैग है। ये बैग तो युकाटान के पास था, और मुझे अभी याद आया कि यहाँ हमें मोफुसुके सोता हुआ मिला था। अच्छा, तुम्हें कुछ पता है? मोफुसुके, युकाटान, अरे ये मेरे लिए है। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। मैंने इसका नाम मोफुसुके रखा है, ये बहुत मुलायम है। ये शायद डोरेमोन। अरे हाँ, तो यही था वो। दोस्तों, हम डोरेमोन को बचा सकते हैं। तुम क्या कहना चाहते हो? तुम बर्फ के अंदर बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। युकाटान, प्लीज ये बैग नोबिता तक पहुंचा देना, भूलना मत। पर ये बैटरी बैग के अंदर क्या कर रही थी? डोरेमोन ने मोफुसुके को दी होगी। चलो गया। हाँ, पर मैं ये नहीं समझा कि वो वहाँ आया कैसे। जब डोरेमोन ने युकाटान को फ्रीज किया, उसके 1,00,000 साल बाद हमने मोफुसुके को बर्फ से बाहर निकाला। इसका मतलब मोफुसुके युकाटान था। नहीं, गलत कहा, युकाटान ही मोफुसुके था। पर इसका रंग अलग क्यों है? इतने सालों तक सोने के बाद इसका रंग नीला हो गया। चलो 1,00,000 साल पीछे चलते हैं। हम उस राक्षस से कैसे निपटेंगे? हाँ, हमें उसे हराना ही होगा। पर कैसे? हमारे पास रिंग है, हम इस रिंग से उसे सील कर देंगे। क्या तुम इससे सहमत हो? तुम्हारा प्लैनेट फ्रीज करने के बाद मैं ह्योगा ह्योगा प्लैनेट पर कैसे रह सकूंगी? कार्ला, ठीक है, चलो चलें। लेकिन तुम उस राक्षस के पास जाओगे कैसे? ये तो मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए। क्या?
क्या तुम सब तैयार हो? तो चलो चले, हमें हमारी पृथ्वी बचानी है। बचना नामुमकिन है, समझे? वो क्या?